वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से हो गए। तो हो गई है नेक्स्ट डे, डे नहीं रात है। मैं हमेशा यही बोलती हूँ, सॉरी। तो आज हम लोग जब मैंने कल भी वीडियो शूट नहीं करी थी बिकॉज थोड़ा यानी है काम वगैरह, इसके हिसाब से मैंने कल वीडियो शूट ज़रा भी नहीं करी। तो अभी आप लोग पहले की वीडियो में देख ही चुके हो कि मम्मी की तबीयत थोड़ी ख़राब थी, पैर दर्द दे रहा था। तो आयुष लोग लेकर गए थे चीरोपैटी के पास, था उसके पास लेकर गए थे। अब जा रहे हैं फिजियोथेरेपी के पास, उसको बुलाए थे ना, तो आज जाने तो आज उनका अपॉइंटमेंट है फिजियोथेरेपी के लिए। तो आज मैं जा रही हूँ मम्मी को लेकर फिजियोथेरेपी के पास, तो वहाँ जाना है हमको, तो फिजियोथेरेपी के पास जाना। तो अभी जा रहे हैं वहाँ पे, मम्मी पंखा बंद कर दी बिकॉज आवाज आ रही थी अम्मी अंदर। अच्छा, आकर ना। तो अभी वहाँ पे जाते हैं, फिर मिलते हैं बाद में आपसे, है ना? वही मशीन वगैरह लगाते ना तुमको? नहीं, हाँ, तो मशीन लगाए के पट्टी लगाएंगे सब। अच्छा ठीक, तो जैसे जैसे आगे होता मैं आपको बताती हूँ, ठीक है? फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं क्लिनिक पर और यहाँ पे मम्मी बैठे लग रहा है। हाँ अभी नहीं, ज्यादा तो गई है। तकलीफ रास्ता में दवा कितनी पीऊँ ना, दवा पी पी के हालत सब खराब हो गई थी एकदम। तो बच्चों जाके दिखाते थे अलग, मतलब जैसे भी बच्चों को भी अपने को भी सही बात है, हो जाए टेंशन नहीं। वही करना रह रहा है, मेडिसिन खाने में बहुत साइड इफेक्ट भी हो गया था उनको, मेडिसिन खा खा कर, तो है ना? हाँ, काफी टाइम से खा रहे थे ना, काफी टाइम से खा रहे। अभी तुम जाओ खराब कर उनके लिए बीमार कर रहा है। फिलहाल तो अभी डॉक्टर आए नहीं, जब आएंगे तभी फिर असिस्टेंट कर लेंगे। हाँ ठीक है, उन्होंने बात कर ली, मशीन सब की लगाने के लिए। मैं बाहर बैठती हूँ, वेट करती हूँ। ठीक है, देखती हूँ अगर दिखाना मिला तो दिखाओगी आपको। मम्मी क्या कर रहे अभी से? देख रही हूँ, स्किन हो जाता है ना, स्पॉट्स रह जाते हैं स्किन के ऊपर। तो सुबह में हाथ के दोनों सो हो गए। यहाँ पे वायर सब लग चुके हैं, मम्मी को एक मशीन चालू है। मम्मी दर्द दे रहे हैं, दर्द दे रहे हैं यहाँ पे पूरा मशीन है। अच्छा, यहाँ पे मम्मी की मशीन का काम जो था फिजियोथेरेपी का वो हो चुका है। मम्मी से पूछते क्या हुआ, और यहाँ पे अभी कुछ मसाज वगैरह बाकी है उनका। क्या बाकी है? मसाज करेंगे। अच्छा, वो बाकी है अभी मसाज करेंगे। दर्द दे रहा है अभी? सही लग रहा है कि दर्द दे रहा है? खड़े क्यों रहे, बैठो अभी थोड़ी देर मसाज करने के बाद। सो गाइस, अभी मसाज करते हैं, फिर उसके बाद मम्मी का हो चुका है तो अभी हम लोग जाते हैं घर पे। सो गाइस, फाइनली मम्मी का अभी हो चुका है तो हम लोग अभी जाते हैं घर पे। मम्मी फटाफट मुर्गा पहनो, चलो चलने को होगा ना। थोड़ी सही बात है, अभी जाते हैं घर पे फिर मिलते हैं वहाँ। गाइस, फाइनली हम लोग घर पे आ चुके हैं और डैडी भी आ गए थे, तो डैडी ने बच्चे लोग ने मिलकर पथारी वगैरह बेड तैयार कर दिया हम लोग का, ताकि हम लोग का ज्यादा वो नहीं हो, क्योंकि रात टाइम हो गया था हम लोग को जाकर। इस कर चुके हैं और हम लोग ने ये रस्ते में तो सलाद ले लिया। डैडी, आपने ऑमलेट बनाया तुमने? डैडी ने ऑमलेट बना दिया, सलाद ले लिए थे, है ना मम्मी? डॉक्टर ने बोला सलाद खाने को। अच्छा, पूरा मोटा का नहीं बना, सलाद खाएंगे। तो अभी हम लोग डिनर एंजॉय करते हैं, फिर मिलते हैं बाद में। मॉर्निंग हो चुकी है और यहाँ पे सब सो रहे हैं, और मैंने भी यहाँ पे ब्रेकफास्ट बना दी हूँ।
मेरा ब्रेकफास्ट मसाला रोटी पराठा, देखो कैसे नहीं यूज हुए हैं, तो मसाला पराठा है मेरा, पर वाला चाय, यहाँ पे सब सोए हैं क्योंकि मैं इसलिए जल्दी उठी बिकॉज मुझे जाना है स्कूल में एडमिशन के लिए, सब डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, तो वहाँ पे जाती हूँ, सबमिट के आपको वहाँ पर। सो गाइस फाइनली मैं आ चुकी हूँ स्कूल से, क्या जाना था आपको बोली थी वहाँ से, अब यहाँ पर आई तो सब सोए और मैंने दरवाज़ा लॉक कर दी थी, चाबी भी लेके नहीं गई थी, लेकिन यहाँ पे सब सोए हैं। हसनैन हसनैन देखो यहाँ पे, अभी दरवाज़ा खोलते फिर मिलते बाद में। अभी मैंने ऐसा मुझे एक सीन बताना था बट मैं थक गई थी आकर तो इसके लिए थोड़ी देर रेस्ट ले ली। तो ये बोलती थी मैं, मुझे सब्सक्राइबर मिल गए थे स्कूल के अंदर, सब्सक्राइबर मिले थे स्कूल में, तो फिर दो तीन सब्सक्राइबर मिल गए थे तो कॉन्ग्रेचुलेशन करने लगे, काफ़ी तारीफ करने लगे, कॉन्ग्रेचुलेशन किस बात की, तो बोले आपकी शादी फिक्स हो गई। तो गाइज वो एक प्रैंक था, मैंने दो चार दिन पहले वो वीडियो डाला था हाबे के अंदर, तो मुझे एक मैंने रिएक्शन वीडियो लेना था, मुझे मॉम डैड का, भाई भाभी का, कि क्या रिएक्शन होता है अगर मैं कुछ ऐसा करी, तो ऐसा तो है नहीं फिलहाल कुछ भी, मैंने आपको Q&A के अंदर सब आंसर दे चुकी हूँ, बट फिर भी तो वो मैंने ढाबे के ऊपर एक प्रैंक तरीके से करी थी और वो वीडियो एक प्रैंक था, तो प्लीज़ गाइस आप लोग रियल नहीं समझो। और एक और प्रैंक आने वाला है जो मैंने हिंट दे चुकी हूँ मेरी जो एक दिन पहले वीडियो आई थी उसके अंदर कि मैं किस चीज़ का प्रैंक करने वाली हूँ, तो आप लोग को पता है बाकी घर वालों को नहीं, तो देखते हैं उन लोग का वो रिएक्शन कैसा होगा। और मैं वीडियो यहीं एंड करती हूँ बिकॉज मुझे अभी लोगों को नाश्ता देना है, उठाना है, वो सब अभी आएगा कल की वीडियो में, तो फिर मैं वीडियो यहीं एंड करती हूँ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू फॉर वॉचिंग।